जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर का जो मंथली मैगजीन आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग जनवरी 2024 के मंथली मैगजीन जो आई हुई है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज ये पांचवा सेशन है। इससे पहले हम लोग चार सेशन में देख चुके हैं। चार सेशन में जो है बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स आए थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो ये पांचवा सेशन, और आप सबको ये भी बता दूं, ये पांचवा सेशन जो है ना बिहार स्पेशल यानी बिहार करंट अफेयर्स का अंतिम क्लास है। इसके माध्यम से हम लोग बिहार स्पेशल का जो भी अपडेट्स आए हैं, जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। तो इसके बाद जो है ना ये छठा सेशन जो होगी, ये कल का सेशन जिसमें आपको देखने को मिलेगा, ये बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। हम लोग अब तक जो मेंस और प्री दोनों को साथ में लेके चल रहे थे, अब जो ना कल के सेशन में वन लाइनर के तौर पर हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीलियम्स में किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग वन लाइनर के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को देखने वाले, कुल 35 सवाल रहेंगे कल के सेशन में, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है ना इतने चार पांच सेशन का एक निचोड़ एक वीडियो में आपको आने वाली है कल के सेशन में। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो अंतिम सेशन है, उसमें हम लोग को देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है और काफी चर्चा में भी है। तो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो आज के सेशन का पहला आर्टिकल क्या कहा जा रहा है, शीतलहर कार्य योजना। आखिर ये शीतलहर होता क्या है, ये आखिर क्या उद्देश्य है, क्यों लाया गया ये बिहार सरकार के द्वारा ये शीतलहर कार्य योजना, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। कोल्ड एक्शन प्लान, ठीक है, कोल्ड एक्शन प्लान क्यों लाया गया। देखिए सबसे पहली बात, जो आपदा प्रबंधन होती है, जैसे आपका आपदा प्रबंधन में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे उसमें से भी एक शीतलहर है। शीतलहर से होता है क्या कि काफी जनहानि होती है कभी कभी, है ना। जनहानि को रोकने के लिए जो है ना इसलिए इस योजना को बनाया गया है, ताकि जो मतलब कि शीतलहर होगी उससे आधा घंटा पहले हम लोग इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर लेंगे। जैसे हम लोग पिछले सेशनों में जो एक आर्टिकल का कवर किए थे, जिसमें IIT पटना ने ये एक जो है ना डिवाइस बनाया है, जिसमें मजदूरों के गले में एक लॉकेट की तरह होगी, जिसके माध्यम से हम लोग को जो ना जो भी, जैसे कि वर्षा होने वाली है, मेघ गर्जन होने वाली है, किसी भी प्रकार का चीज होने वाली है आपदा प्रबंधन से संबंधित, उससे आधा घंटा पहले हम लोग को सूचित कर देगा। वो सिर्फ लॉकेट के तौर पर, अगर उसमें कोई विद्युत नहीं लगा रहेगा, ना ही कोई बैटरी लगा रहेगा जिससे वो चार्ज हो, वो सिर्फ अपना बॉडी के उष्मा से चार्ज होगा। याद होगा आप सभी को, पिछले सेशन में हम लोग कंप्लीट किए हैं इसको हुए हैं। तो वही उसी के रिगार्डिंग उसी तरह से एक और योजना बनाई गई है। इसके माध्यम से हम लोग को जैसे शीतलहर हो गया, शीतलहर आने से जो हम लोग का आधा घंटा कुछ समय पहले ही हम लोग को यह जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, जानकारियां प्राप्त हो जाएगी कि दिक्कत है, आप सतर्क रहें, अलर्ट हो जाए, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहली बार राज्य के लिए शीतलहर कार्य योजना तैयार कर रहा है, जो शीतलहर में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक है, ये समझ रहे हैं। उसके बाद कहता है ये किसके द्वारा बनाया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर को आवश्यक सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार की दी गई है, ओके। उसके बाद कार्य योजना बनने के बाद मौसम विभाग के समन्वय से पूर्व चेतावनी जारी की जाएगी, ओके, जैसे अभी बताया मैंने। उसके बाद जिला आपदा प्रबंधन विभाग की सहायता से स्थानीय स्तर पर भी अलर्ट जारी किया जाएगा, यानी कि ये आपका जिला स्तर में जो है जिला अधिकारी हो या जिला आपदा प्रबंधन जहां केंद्र है वहां पर ये रहेगा, उसके माध्यम से आपके जिला में जो DM है, जो भी मतलब अधिकारी हैं या आपदा प्रबंधन के जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वहां पे, तो वो आपके जिले में अलर्ट कर देंगे कि आपका जो है ना ये ऐसा ऐसा होने को है, आपदा प्रबंधन को है, तो आप अलर्ट रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह से आपको सूचना दी जाएगी। उसके बाद मानव एवं पशु स्वास्थ्य के अलावा फसलों को शीतलहर के दुष्प्रभाव से बचाने का भी सुझाए जाएंगे, मतलब ये हम सिर्फ मनुष्यों के ही नहीं, इसमें पशु को और इसमें आपका जैसे कि फसल हो गया, इन तमाम चीजों को भी इसको देखते हैं, इसको सुलझाएंगे। मतलब होता है क्या ना, शीतलहर हो या आपदा प्रबंधन से क्या होता है कि बहुत सारी फसलें बर्बाद होने लगती है, खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, गलने लगती है, तो उसके बारे में भी ये सूचनाएं देगी, इसके बारे में भी ये सहायता करेगी। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो ये पहली बार आया है तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल में कहा जाता है बिहार सोलर रूफटॉप योजना। बिहार सोलर रूफटॉप योजना ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। क्या कहा जाता है, ये योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिजली बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब जब भी देखो सोलर सिस्टम जब भी आपको देखने को मिलेगा, उससे क्या होगा, आप बिजली बचाने के लिए एक बड़ा योजना बनाया जाएगा। अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ था, बिहार मतलब केंद्रीय बजट चालू हुआ था ना, अभी रिसेंटली केंद्रीय बजट दिया गया है सरकार जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो उसने क्या क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा
सोलर सिस्टम पर फोकस किया गया, 2 करोड़ लोगों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, बिजली की खपत कम होगी, सोलर सिस्टम का बढ़ावा मिलेगा इससे, इसके बारे में। तो उसी प्रकार बिहार सरकार ने भी क्या किया है, बिहार सोलर रूफटॉप योजना चलाई है। इसके माध्यम से बिजली बचाने की बचाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है ना, बिजली का खपत कम होगी, सोलर सिस्टम होगा तो बहुत कुछ बहुत मतलब अच्छा होने वाली है, जैसे प्रदूषण वगैरह सब मतलब बहुत कुछ इससे सुरक्षित होने वाली है ना। इसके बारे में समझते हैं क्या कहा जाता है, नीची छतों पर सोलर पैनल बनाने के लगाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 65% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब अगर कोई अगर निजी छत पर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उस पर आपको सब्सिडी दी जाएगी, वो भी 65%, जो काफी खुद में एक बहुत बड़ी रकम है ना, 65% आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसको याद रखना, इसको ध्यान रखना, कितना दिया जाएगा, 65, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है बिजली उपभोक्ता अपनी निजी छतों, हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी और अन्य 1 किलोवाट से 500 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाकर सब्सिडी राशि प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका कंडीशन दे दिया कि ऐसा सोलर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका, देखिए ये आर्टिकल इंपोर्टेंट रहेगा, ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। क्या कहा जाता है कि मोलिब्डेन ने आईआईटी पटना द्वारा खोजा गया एक नया धातु पदार्थ है, यानी कि ये जो आईआईटी पटना के द्वारा एक नया धातु मिला है इसके द्वारा, ये चर्चा में है। आखिर अपना बिहार में है और पटना आईआईटी ने किया है, तो इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखेगा और नाम याद रखने का, मोलिब्डेनिन, ठीक है, मोलिब्डेनिन, ओके, इसको ध्यान रखना है आपको। नए धातु का जो खोज भी है उसका नाम क्या है, मोलिब्डेनिन, ठीक है। मोलिब्डेनिन जो है किसके क्या है, एक धातु है, एक धातु पदार्थ है और ये किसके द्वारा खोजा गया है, आईआईटी पटना के द्वारा। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, आईआईटी पटना और फॉर्च्यून्स ने जुलिस ने शोधकर्ताओं द्वारा मोलिब्डेनिन नामक द्विआयामी 2D पदार्थों की एक नई किस्म की खोज की गई है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये पदार्थ केवल एक मोलिब्डेनिन नामक परत से बने होते हैं, परमाणु बल माइक्रोस्कोपी AFM के लिए या कैंटिलीवर के रूप में, या अपनी स्थिरता और असाधारण विद्युत और तापीय चालकता के कारण पूरी उपयुक्त होता है, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये एक प्रकार का धातु है, धातु पदार्थ है जो आईआईटी पटना के द्वारा खोजी गई है, तो इसका नाम आप कम से कम याद रखना है। देखिए इसका नाम क्या है, मोलिब्डेनिन, ठीक है, मोलिब्डेनिन ये इसका एक प्रमुख नाम है, इसी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, आपको ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह ये आर्टिकल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका उलार सूर्य मंदिर ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए उलार सूर्य मंदिर ये जो ना आपका छठी मैया से संबंधित है, आपका बिहार का राष्ट्रीय पर्व है ना, छठ पूजा, तो उसी के रिगार्डिंग एक योजना बनाई गई थी, सूर्य मंदिर जो उलार सूर्य मंदिर है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान रखना है। कहा जाता है हाल ही में बिहार सरकार ने छठ पूजा की तैयारी में श्रद्धांजलों के लिए टेंट लगाए हैं। उसके बाद कहा जाता है यह पटना जिले के दुल्हिन बाजार क्षेत्र में स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। उसके देश के 12 आर्क स्थलों में से कोणार्क और देवार्क मंदिरों के बाद उलार को सूर्य देव की तीसरा सबसे बड़ा आर्क स्थल माना जाता है। देखिए ये ध्यान रखना, आपको उलार के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। ये जो अभी चर्चित है उलार सूर्य मंदिर, ये आपके जो है ना आपके देश में टोटल जितने कितने आर्क स्थल हैं, टोटल कितने आर्क स्थल है, 12 है, उनमें से तीसरा सबसे बड़ा आर्क स्थल कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उलार यानी कि उलार ही है। तो पहला में है कोणार्क, उसके बाद देवार्क, उसके बाद अपना उलार की ही है जो छठी मैया से मतलब ये संबंधित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलो उसका नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका, सोना मोती गेहूं की किस्म, एक किस्म सोना मोती गेहूं की एक किस्म, इसके बारे में समझते हैं। वर्तमान संदर्भ, बिहार ने सोना मोती नामक स्वस्थ गेहूं की किस्म की को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। मतलब एक गेहूं जो है ना, एक प्रकार का नया गेहूं है, उसके बारे में एक नया चीज मिली, उसको संरक्षित करने के लिए इसके बारे में बताया गया कि सोना मोती नामक एक गेहूं मिली है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इसके प्रमुख बिंदु देखिए, यह एम्पर गेहूं की 2000 साल पुराने एक किस्म है, ये जो एम्पर गेहूं की जो है लगभग 2000 साल पुरानी किस्म है, ठीक है। इसमें ग्लूटेन कम और फोलिक एसिड अधिक, प्रोटीन मैग्नीशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। एक गेहूं में क्या है, देखिए ये भी ध्यान रखना है आपका, नया जो ये एम्बर गेहूं जो है उसमें ग्लूटेन जो है ना कम मात्रा में पाया जाता है, फोलिक एसिड ये अधिक मात्रा में है, उसके तो प्रोटीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन ये प्रचुर मात्रा में जैसा होना चाहिए वैसे मात्रा में इसको मिले इसमें पाया जाता है,
तो इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और रोग क्षमता विकसित करने में मदद करता है, यह भी ध्यान रखना है आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, और इसके माध्यम से होगा कि अगर जो भी विद्यार्थी अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वो फायदा उठा सकते हैं। तो इसके बारे में आप अगर आसपास के भी कोई विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो ये इसका लाभ उठा सकते हैं और जरूर इसका फायदा मिलता है। मैंने पर्सनली मेरे कई सारे मित्रों ने, कई सारे मेरे जानकार लड़कों ने, लड़कियों ने इससे फायदा उठा के अभी जो है ना अच्छा खासा डिग्री कंप्लीट करके कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट संघ से ही या कहीं ना कहीं अभी जॉब मतलब तैयारी ही कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से आप भी कर सकते हो, आप अपने निजी किसी को भी ये बता सकते हो। तो इसका क्या है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये लागू किया है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें क्या होता है, बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मतलब ऐसा होता है ना, जो व्यक्ति बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10वीं और 12वीं क्लास तक कर तो लिए हैं लेकिन उसके बाद की जो है ना वो पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता भाई। वो चाहता तो है कि हम जैसे कि पॉलिटेक्निक करें, बीटेक करें, मतलब अच्छा खासा डिप्लोमा करें जिससे कि हम अच्छे खासे पद पर जा सकते हैं। वो उसके आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप योग्यता के लिए कम से कम 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए उसके बाद आपको मिल जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने निजी क्षेत्र में जो है ना जैसे आपका जिला के जिला अधिकारी क्षेत्र है ना वहाँ पे आप जाके इसके बारे में पता कीजिए और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता कीजिए, 100% ये मिलती है लाभ। और इसका जो है ना 4 लाख तक का आपका मदद मिल जाएगी, है ना, 4 लाख तक का आपका मदद मिलेगा। उसके बाद आपको जो है ना ये आपका जैसे जॉब मिल रहा है, जॉब मिलने के बाद पढ़ाई लिखाई हो जाएगा तो आपको ये 4 लाख चुकाना भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आपको ये मतलब यार हम पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे, जॉब भी लेंगे तो चुका देंगे, कम से कम मेरी लाइफ तो बन जाएगा ना, कहीं ना कहीं ये अच्छा है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हाँ सफलतापूर्वक कर ली गई हो और इस योजना के लिए पात्र, यानी कि 12वीं कम से कम पास होना चाहिए, उसके छात्र ऋण राशि से सामान्य पॉलिटेक्निक या तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके इस कार्यक्रम के तहत जो है 4% की कम प्रभारी ब्याज दर है, यानी कि 4% तक का आपका कम प्रभारी ब्याज दर होगा, ओके। उसके तो विकलांगों के और ट्रांजिस्टर और महिलाओं के लिए ब्याज दर का बहुत कम है, 1% मात्र है, समझ सकते हो भाई। जनरल लोगों के लिए 4% और जो विकलांग है, महिला है या ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए 1% का, ये भी ध्यान रखना है। ये कार्यक्रम भुगतान में लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने और रोजगार प्राप्त करने के बाद ऋण चुकाना पड़ता है, बाद में ऋण चुकाना पड़ता है, तो अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और वो भी बहुत कम परसेंटेज ऋण है तो ये ठीक है ना। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो और अपने निजी को भी बता सकते हो। चलो ये हो गया आपका, नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ मंच, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, जो इससे पहले भी एक इससे संबंधित मतलब इससे संबंधित ही दलाई लामा से संबंधित एक और आर्टिकल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हम लोग का जो एक कार्यक्रम चलाया गया था दलाई लामा जो है ये 14वें दलाई लामा अभी गया आए हुए थे, है ना, तो उसके बारे में हम लोग देखे हुए, उसी बारे में ये भी देखते हैं। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ मंच है इसलिए चर्चा में होगा। कहा जाता है हाल ही में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बोध गया में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके बाद दलाई लामा है ना, दलाई लामा ये कार्यालय ने अंतरराष्ट्रीय बोध परिसंघ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसके इसमें टोटल 32 देशों ने अतिथियों ने भाग लिया और 200 से अधिक बोध आध्यात्मिक नेता उपस्थित थे। हम लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा किए हैं, है ना, जो मतलब बोध गया से संबंधित याद है, आई थिंक याद होगा जो भी आप पढ़े होंगे, है ना। तो आप जो भी नहीं देखे उसको जरूर देखिए, रेगुलर क्लास कीजिए। अगर रेगुलर जो क्लास करते हैं ना उससे क्या होता है कि आपका रेगुलरिटी मेंटेन होगा और उससे संबंधित सवाल होगा। जैसे कल के सेशन में भी हम लोग को क्या मिला था, आपका मधुबनी पेंटिंग से संबंधित, इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए थे, कल के सेशन में भी चर्चा की, आज देखिए दलाई लामा हो गया, बोध गया से संबंधित, फिर से रिपीट किया हुआ, फिर से उससे संबंधित सवाल है। तो यही सब तो सवाल बनता है मेरे दोस्त, तो आपको इसी से मिला के करना है। तो यही आपका अगर मेंस में आ गया तो इसी से आपको बना के लिखना है ना। तो चलो ये होगी बातें। उसके बाद कहा जाता है ये परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज ही दुनिया में बोध की शिक्षाओं पर संवाद विषय पर आधारित था और इस कार्यक्रम का उद्घाटन दलाई लामा ने किया था, ठीक है। उसके बाद ये योजना अनुशासन के रूप में बदोचित या आत्मज्ञान पर जोर देता है जो आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और प्रतियोगी के इस अनुशासन को अपनाने और दूसरों को नुकसान न पहुंचाने की सलाह देता है। इस तरह से ये आर्टिकल होंगे, है ना।
तो ये भी इस तरह से ये भी आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, इसको भी हम लोग देख चुके हैं ना। तो इस तरह से हम लोग का देखा जाए तो पूरा का पूरा जो है जनवरी मंथ में जो एमएनजी आई हुई है बिहार स्पेशल का, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग का बिहार स्पेशल का कंप्लीट हो चुका है, जो भी आर्टिकल दिए गए थे उसको हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग का बिहार स्पेशल कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त, है ना, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, इसके बाद जो है ना वन लाइनर जो है ना कल के सेशन में वन लाइनर वाली एक एपिसोड आएगी, उसमें आपको जरूर अटेंड करना है। उसमें होगा क्या, आपके जो इतने दिन का जो 5 क्लास किए हैं आप, उसका एक निचोड़ मिल जाएगा, उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आपको कितना माइंड में याद है, कितना क्या कर सकते हो, कहां पे आपको रिवीजन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम लोग का अभी क्या हुआ, मैंने जो बताया आपको बिहार स्पेशल है ना, बिहार के रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल्स दिए गए थे, यहाँ देखो विषय सूची में बिहार स्पेशल था ना, बिहार स्पेशल को हम लोग एक एक करके सारे आर्टिकल्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग का बिहार स्पेशल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, सोना मोती गेहूं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग का बिहार करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका रहेगा राज्य व्यवस्था और शासन, ये हम लोग का कल नेक्स्ट सेशन में जो जैसे वन लाइनर कंप्लीट होगा तो हम लोग को ये हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, मतलब सारे सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से रेगुलर मेंटेन कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले, लाभ मिले, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक नम्र निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो और क्लास का रिव्यू देना है जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।